मैं शिबानी सासमल आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम डिलीशियस हेल्दी साउथ इंडियन खाएंगे। आज साउथ इंडियन डिश में हम बनाएंगे ओट्स डोसा विद मसाले वाले लगाकर। इनिग्रेट्स में हमें चाहिए डोसा बैटर बनाने के लिए, यहाँ पर सबसे पहले 50 ग्राम ऑफ ओट्स, जो पहले से मैं इसको पाउडर कर ली हूँ, रवा 100 ग्राम, सब्जी मसाला 1 टेबलस्पून, ये दोनों चीज़ें के लिए यूज़ होगा, हमारे मसाले के लिए भी और डोसा बैटर बनाने के लिए भी। सॉल्ट आज पर टेस्ट, हल्दी 1/2 टेबलस्पून डोसा बैटर के लिए और मसाले के लिए भी, 4 टीस्पून ऑफ जीरा, वो भी बोथ फॉर डोसा बैटर के लिए और मसाले के लिए, रेड चिली फ्लेक्स फॉर मसाला, 2 स्मॉल साइज प्याज बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 5 से 6 कढ़ाई पत्ता, पत्ते को मैं इस तरह से स्टेम से अलग कर दी हूँ, 1 स्मॉल साइज हमारा गाजर इस तरह से ग्रेटेड किए गए, 2 हरी मिर्च इस तरह से बारीक कटी हुई, तेल जरूरत के हिसाब से डोसा बनाने के टाइम और छौंक लगाने के टाइम, आलू 3 स्मॉल आलू पहले से उबाल के मैं रख दी हूँ, इसके बाद हम इसका मैशअप करेंगे। ये हमारा कढ़ाई पत्ता बारीक कटी हुई जो डोसा बैटर में जाएगा, धनिया पत्ता ये भी बारीक कटी हुई, ये मैं एक बंडल आधा बंडल ली हूँ, और ये कढ़ाई पत्ता 2 कढ़ाई पत्ता है, मतलब 2 स्टेम से इसको बारीक कटी काट दिया गया है, और एक हरी मिर्च इस तरह से बारीक काट दिया गया है, पानी जरूरत के हिसाब से डोसा बैटर बनाने के लिए। और फटाक से चलते डोसा बैटर बनाने के लिए एक फ्री साइज बाउल ले जाएंगे, यहाँ पर हमारा रवा और पाउडर ओट्स को मिला लेंगे, उसमें अभी डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैं यहाँ पर करीबन 1 टीस्पून ले रही हूँ, अब अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, और हमारे मसाले से आधा इस्तेमाल करेंगे, मतलब 1/2 टेबलस्पून ऑफ करी पाउडर, और हल्दी भी हम आधा इस्तेमाल करेंगे जितना लिए थे, 2 टीस्पून ऑफ जीरा, क्यूमिन सीड्स वेरी गुड फॉर योर इंटेस्टाइन फॉर योर डाइजेशन, और ये चॉप्ड हमारा कढ़ाई पत्ता, चॉप्ड हमारा धनिया पत्ता, हरी मिर्च, और थोड़ा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता मैं बचा के रखी हूँ हमारे स्टफिंग के लिए। इस तरह से हम सारे ड्राई इनग्रीडियंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद धीरे धीरे करते हुए पानी एड ऑन करेंगे और साथ ही एक ही डायरेक्शन में इसको हम मिलाएंगे, बिना कोई लम्स रखे, हमें एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और करीबन 20 मिनट के लिए इसको ढककर रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा रवा पानी सोक करता है। उससे पहले मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऑफ हरी रेड चिली फ्लेक्स ऐड ऑन कर रही हूँ, अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो इसको अवॉइड कीजिए, या फिर अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कीजिए। अब एक और एक बाउल ले जाते हैं जहाँ पर हमें उबले हुए आलू को मैश करेंगे, उसके छिलके निकालते हुए मैशर के सहारे। मैश करने के बाद हम एक कढ़ाई ले जाएंगे जिसको मैं पहले से 2 से 3 मिनट प्रीहीट कर ली थी। 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल हीट करने के बाद वहाँ पर मैं जीरा का छौंक लगाई 2 टीस्पून, उसमें गया हमारा कढ़ाई पत्ता, हरी मिर्च, इसको फ्यू सेकेंड्स के लिए सेट्यू करना है, उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई हमारी प्याज, और उसको करीबन 5 से 10 मिनट या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। ये हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें जाएगा हमारा
बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, इसको हम 3-4 मिनट फ्राई करेंगे, ओवर कुक नहीं करना है। 3-4 मिनट के बाद इसमें जाएगा हमारा मैश्ड आलू। अब सब चीजों को अच्छे से मिला लेना है। हम इसमें फिर एड ऑन करेंगे हमारे हल्दी का पाउडर जितना बचा था, स्वाद अनुसार नमक 1 टीस्पून नींबू और बाकी 1/2 टेबल स्पून ऑफ करी पाउडर अच्छे से मिला लेंगे। करीबन 3-4 मिनट तक लो फ्लेम में पकाने के बाद, कंटिन्यूस स्टीर एंड कुक करने के बाद मैं गैस को टर्न अप कर ली। इसमें जाएगा हमारा ग्रेटेड गाजर और धनिया पत्ता, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर एक साइड कर लेंगे। देखिए 10 मिनट के बाद हमारा बैटर इस तरह से हो गया है। चूंकि रवा पानी सोख सकता है इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो गया था, ऊपर पानी ऐसे रह गए थे और इन्ग्रीडिएंट्स के साथ। इसमें थोड़ा पानी जाएगा क्योंकि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है हमें। और यहाँ पे थोड़ा नमक मैं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि पानी एड ऑन की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो नमक को अवॉइड कर सकते हैं या फिर अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते। और व्यूअर्स, चूँकि मेरे पास तवा नहीं है, मैं फ्राइंग पैन पर ही डोसा बनाऊंगी, इसलिए हमारा डोसा का साइज भी कम आएगा। बट डोंट वरी, आवर डोसा इज गोइंग टू बी वेरी यमी। और इसको पहले से प्री हीट कर ली हूँ। प्री हीट करने से डोसा हम जब फ्लिप करेंगे हमारा डोसा फटेगा नहीं, एकदम साइज से निकलेगा। एडजस्टमेंट डालते हुए इस तरह से हमें डोसा बैटर को स्प्रेड करना है और चम्मच को उसके ऊपर नहीं चलाना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हम ऑयल उसके ऊपर डालेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमें हेल्दी डोसा भी बनाना है। देखिए ये अच्छे से हो जाने के बाद मैं फ्लिप कर ली, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। फिर क्या करेंगे, चूंकि साउथ इंडियन डिश बन रहा है इसमें, इसलिए मैं ग्रेटेड कोकोनट इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फ्रिटेड कटेज चीज कटेज का भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर सिर्फ जैसे मैं मसाला बनाई हूँ, मसाला को भी ऐसे डालते हुए करीबन 1 टेबल स्पून स्प्रेड करते हुए हम डोसा को रोल कर लेंगे। और ये प्रोसेस हम सारे बैटर के साथ रिपीट करेंगे हल्के से। सो फ्रेंड्स, हैव दिस डिलीशियस ओट्स रवा डोसा। आप इसको चने की चटनी और सांभर के साथ सर्व कीजिए, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल रवा। चूंकि मैं ये तवे पे नहीं बने, फ्राइंग पैन पे बने, इसलिए डोसे का साइज छोटा हुआ है। मेरे पास तवा नहीं था इसलिए आप तवे पे बनाएंगे, ये और भी राउंड शेप का बनेगा। और देखिए कितना क्रिस्पी बना है। Have this delicious, yummy, healthy recipe. Thank you for watching my video. Don't forget my class. Comment, like and subscribe, share. और इस तरह से हम सारे बैटर के साथ प्रोसेस रिपीट आउट करेंगे। Take care.